नमस्कार मित्रों, P3N क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण। ठीक, तो जो इसका पहला उदाहरण है वह है उदाहरण 5। इस प्रश्नावली में जो पहला उदाहरण वह है उदाहरण 5। इसमें हमको देखना है कि 10/3, 7/8, 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात करें। ठीक, तो इसका अगर किसी भिन्न का हमको दशमलव प्रसार ज्ञात करना होता है तो हम लोग उसमें भाग करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर हमको ये उदाहरण 5, ठीक, हमको देखना है कि 10/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 10/3 का दशमलव प्रसार, तो हम लोग 10 में 3 से भाग देंगे। 3 भागे 10, तो 3 3 9 -1 आएगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9 घटाएंगे, 1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 9 घटाएंगे, 1 आएगा। इस तरह से ये आता चला जाएगा। ठीक, 3 3 3 3 आता चला जाएगा। ठीक, तो इसका जो भागफल होगा वो हो जाएगा 3.333, इस तरह से आगे तक। यानी जो 10/3 का दशमलव प्रसार होगा वो होगा 3.333, इस तरह से आगे तक। ठीक, इसके बाद जो अगला है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो अगला है वो है 7/8 का दशमलव प्रसार। ठीक, तो 7/8 के दशमलव प्रसार के लिए हम लोग देखेंगे 8 से 7 में भाग देंगे। तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 8 64, 6 बचेगा, दशमलव 0 बढ़ जाएगा, 8 7 56, -4 आ जाएगा, दशमलव 0 बढ़ जाएगा, 8 5 40, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 7/8 का दशमलव प्रसार होगा 0.875। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला है 1/7 का दशमलव प्रसार, यानी हम लोग 7 से 1 में भाग करेंगे। तो ये 7 से 1 में भाग करेंगे, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 7, घटाएंगे, 3 आएगा, और ये हो जाएगा 7 1 7, दशमलव 0 बढ़ाएंगे, 7 4 28, घटाएंगे और ये आ जाएगा 2, दशमलव 0 बढ़ जाएगा, 7 2 14, घटाएंगे, 6 आएगा और फिर आ जाएगा 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56, घटाएंगे, इसको आगे यहाँ कर देते हैं, 7 8 56, तो यहाँ पे शेष फल आएगा 4। ठीक, तो 4 में 7 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर 7 5 35, घटाएंगे, 5 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49, 1 आएगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे, 7 1 7, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ आगे नीचे, 7 1 7, घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, 0 लगा लेंगे और फिर 7 4 28, 4 लिख देते हैं यहाँ पर, 28, घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ 28, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर दशमलव लगा, 0 बढ़ जाएगा, 7 2 14, 6 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेम संख्याएं अगर हम लोग अभी और आगे तक करेंगे तो जो इसका दशमलव प्रसार आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। यानी जो 7/1/7 का दशमलव प्रसार है वो हो जाएगा 0.142857, 1 4 2 8 5 7, फिर से आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, और बार बार 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 आता रहेगा। ठीक,
हमको यहाँ पर पता कैसे चला कि बार बार यही आता रहेगा? ठीक, तो हम लोग देखते हैं, ये एक बात होती है कि अगर शेष फल रिपीट हो रहा है, ठीक, अगर शेष फल रिपीट हो रहा है तो भाग फल में आने वाली संख्याएं भी रिपीट होंगी। जैसे यहाँ पर देखें, इसका शेष फल एक आया था तो यहाँ पर तीन आया है, फिर से शेष फल एक आया है, फिर तीन आया है, फिर से शेष फल एक आया है, अब आगे भी तीन आएगा। तो जहाँ जहाँ शेष फल रिपीट होगा वहाँ वहाँ भाग फल में उसकी भाग फल में आने वाले अंक भी रिपीट होंगे। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर शुरू में एक था, यहाँ पर शुरू में एक था, यहाँ पर भी एक आ गया, एक आया था शेष फल में। फिर हम लोगों ने जीरो के बढ़ाया था क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, दशमलव लगने के कारण हम लोगों ने यहाँ पर जीरो बढ़ाया था, यानी यहाँ पर हमको जो मूल रूप में मिला था वो एक मिला था, यहाँ पर भी हमको एक ही दिया हुआ था, ये देखिए 1/7, यानी यहाँ पर भी एक ही दिया हुआ था, एक आया यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो शेष दिखा तो यहाँ पर तीन शेष आया था, यहाँ भी तीन शेष आया था, यहाँ पर 6 शेष आया है और यहाँ भी 6 शेष आया है। देख रहे हैं हम लोग कि शेष फल का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक, शेष फल का रिपीटेशन हो रहा है। अगर किसी भी एक शेष फल का रिपीटेशन हो जाता है तो यानी भाग फल में आने वाली संख्याएं रिपीट होंगी, ठीक, यानी हम लोग जो भाग कर रहे हैं, तो हम लोग एक बार जो भाग पहले कर चुके हैं, अगर हम लोग को उसी संख्या में दोबारा भाग करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाग फल में आने वाली संख्याएं रिपीट होंगी। जैसे यहाँ पर एक था, हम लोगों ने यहाँ पर दशमलव लगा के जीरो बढ़ाया, यानी 10 आया था, यहाँ पर एक था, यहाँ पर दशमलव लगाया तो फिर जीरो बढ़ाया तो यहाँ पर 10 आ गया। तो हमने यहाँ पर 7 से 10 में भाग किया था, 7 से 10 में भाग दिया था, यहाँ पर भी देखा हम लोगों ने 7 से हमको 10 में भाग देना पड़ा, ठीक। तो यहाँ पर एक तरह से हमको वही भाग रिपीट हो रहा है, ठीक, वही भाज्य रिपीट हो रहा है। अगर वही भाज्य रिपीट हो जाएगा तो हम लोग जान जाएंगे कि जो संख्याएं हैं शेष भाग फल में वो रिपीट होंगी। जैसे यहाँ पर 1 4 2 8 5 7 आया तो आगे भी 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7 यही आएगा, ठीक। तो यार हम लोग जान सकते हैं कि अगर शेष फल रिपीट हो रहा है तो जो भाग फल में आने वाली संख्याएं वो रिपीट होंगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमको जिसमें भाग देना पड़ रहा है, अगर वो भाग हमको दोबारा फिर से वही देना पड़ गया तो तब भी संख्या रिपीट मानी जाएंगी, ठीक। तो एक मोटा मोटा हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर शेष फल रिपीट हो रहा है तो जो भाग फल में आने वाली संख्याएं वो रिपीट होंगी, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया दशमलव प्रसार 1/7 का, ठीक। ये 10/3 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 3.333, 7/8 का 0.875 और ये 1/7 का 0.142857, 1 4 2 8 5 7। इसके बाद जो अगला उदाहरण है वो कह रहा है, दिखाइए कि 3.142678 परिमेय संख्या है अथवा 3.142678 को P/Q के रूप में व्यक्त करिए, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 नहीं है, ठीक। तो परिमेय संख्या दिखाने के लिए यही कंडीशन होती है कि अगर हम लोग किसी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकें जहां पर P और Q पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी। यानी अगर हमको 3.142678 को एक परिमेय संख्या के रूप में दिखाना है तो हमको इसे P/Q के रूप में लिखना होगा, ठीक। तो इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर सिक्स, यानी हमको 3.142678 को एक परिमेय संख्या के रूप में दिखाना है। तो हम लोग देखें 3.142678 ये बराबर हो जाएगा 3.142678। देखिए जितने अंकों के पहले
दशमलव लगा होता है उतने अंक हर में लिख देंगे। यहाँ पर छः अंकों के पहले दशमलव लगा हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो नीचे छः जीरो लिख देंगे, छः ठो, एक दो तीन चार पाँच छः, और फिर जीरो लिखने के बाद एक लिख देंगे और यहाँ पे जो दशमलव उसको हटा देंगे, ठीक। तो यानी 3.142678 ये बराबर हो जाएगा 3142678 भागे एक, ठीक। तो ये देखिए ये P अपॉन Q के रूप का हो गया और इनमें से ये 3142678 जो अंश है ये एक पूर्णांक है और नीचे 1000000 ये भी एक पूर्णांक है। और यहाँ पर देखिए ऊपर वाला क्या हो गया, P हो गया हमारा 3142678 और Q हो गया 1000000, ठीक। और ये Q का मान अगर ये है अगर Q का मान 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख अगर Q का मान 10 लाख है तो Q का मान जाहिर सी बात है कि जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी हम लोगों ने 3.142678 को P अपॉन Q के रूप का लिख दिया और हमने P अपॉन Q के रूप का लिख दिया इसलिए 3.142678 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः 3.142678 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो अगर हम लोगों को ये इसका आंसर हो गया, अगर हम लोग को देखना होता कि 2.236 को हम लोग को बदलना होता P अपान Q के फॉर्म में, P अपान Q के रूप में, तो कैसे करते, तो इसमें देखिए 2.36 अपान, तो यहाँ पे कितने अंकों के पहले दशमलव लगा हुआ है, तो एक दो, दो अंकों के पहले दशमलव लगा हुआ है तो दो जीरो लिख देंगे और एक लिख देंगे, ये लिखने के बाद दशमलव ये हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2.36/100, यानी 2.36 बराबर हो जाएगा 236/100 के, ठीक। तो ऐसा ही इसको भी किया गया है। ये इसके बाद जो उदाहरण 7 है वो कह रहा है कि दिखाइए कि 0.3333 आगे डॉट डॉट है इक्वल 0.3 बार को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q का मान जीरो नहीं है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, पीछे हमने क्वेश्चन कराए हुए हैं इस तरह के, तो उसमें हम लोगों ने किया था कि हम लोगों ने मान लिया था, माना x बराबर दशमलव, यहाँ पे क्या संख्या है 0.3 बार, ठीक। और हम लोग इसको ये किसके बराबर दिया गया है, इसके बराबर 0.3333 आगे ऐसे डॉट डॉट, ठीक। हमने वहाँ पर बताया हुआ था कि जिस संख्या का जिस संख्या की पूर्ण हमने वहाँ पर बताया हुआ था कि जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक, उसको दशमलव के पहले होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद, 3333, ठीक। तो यानी 1 3 का दशमलव के पहले होना अनिवार्य है। और अगर तो अगर 1 3 को दशमलव के पहले लाना है तो हमको इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में दस का गुणा करने पर ठीक। तो अगर हम लोग 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर आ जाएगा 10x इक्वल्स 3.3333 आगे ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.3333 ऐसे आगे, ठीक। और अभी हम लोगों ने समीकरण इसको अगर हम लोग 1 मान लें तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 10x बराबर 3 इसको लिख सकते हैं x के बराबर, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, ऐसे सवाल मैंने पीछे कराए हुए हैं और अगर आप लोगों को अच्छे समझना है तो आप लोग वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, उसे मैं लिंक में दे दूँगा। तो यहाँ पर 10x माइनस x बराबर 3 हो जाएगा 9x बराबर 3,
तो यहाँ पे 9 गुणे में तो 9 बटे में आ जाएगा, तो 3 बटे 9 यानी ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 दिया 9 यानी 1 बटे 3। ठीक, 1 बटे 3 आ गया, यानी जो इसको हम लोग को लिखना था पी अपॉन क्यू के रूप में वो हो जाएगा 0.3333 आगे डॉट डॉट 0.3 बार, ये बराबर हो जाएगा 1/3 के और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग उदाहरण नंबर 8 देखेंगे। इसमें कह रहा है दिखाइए कि 1.2727 का बार इसको हम लोग पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग मान देंगे कि माना x बराबर 1.27 का बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 1.272727। ठीक, और इसमें हमने बताया था कि अगर दशमलव के बाद जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी अंक हैं, उन सब पर बार बार लगा हुआ है, तो हम लोग उसमें से जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसमें से एक को बाहर ले आते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर हम लोग देखें 27 27 27 इसका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, 27 रिपीटेशन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 27 को ले आएंगे दशमलव के इस तरफ यानी दशमलव के बाईं तरफ। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे जिससे 27 के बाईं ओर आ जाएगा, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर यह हो जाएगा 100x बराबर 127.2727। ठीक, इस तरह से ये आगे तक आ जाएगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100x बराबर 127.2727 इस तरह से। ठीक, इसमें से हम लोग जो 0.2727 है इसको लिख सकते हैं 0.27 का बार। ठीक, ये 100x के बराबर हो जाएगा। हमने बताया हुआ था उसी लेक्चर में कि यदि दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उन सब पर बार लगा हुआ है तो उसको हम लोग भिन्न के रूप में किस तरह से लिखते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। 0.27 का बार अगर कहीं पर है तो यहाँ पर हमने देखा कि दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं यानी 2 और 7 हैं यहाँ पर, तो पूरे में बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग को अगर भिन्न में लिखना है तो लिखेंगे 27/99। ये कैसे आया, हम लोगों ने पहले क्या किया कि 27 को ऊपर लिखा, ठीक, फिर बटे लगाया और हर में उतने ही 9 लिखेंगे जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर 2 और 7 यानी 1 और 2 अंक पर बार लगा हुआ है यानी हर में 2 ठो 9 नीचे रखेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये हम लोग यहाँ पे लिख सकेंगे इसकी जगह 27/99। इसको अगर आपको और अच्छे से सीखना है तो आप लोग मेरा वो लेक्चर देखिएगा, मैं इसे लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने इसके सवाल कराए थे, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। 100x बराबर 127/27/99 और ये बराबर हो जाएगा 9 3 27 9 1 9 9 1 9 यानी ये हो जाएगा 100x बराबर 127/3/11। इसको हम लोग अगर आगे हल करना है तो इसमें बटे में 1 ले लेंगे और इसका लासा आ जाएगा 11 11 77 11 2 22 22 7 29 2 आया, 11 कम 11 11 2 13 +3 हो जाएगा ये 100x के बराबर। तो ये 100x बराबर हो जाएगा 7 1400/11, तो x आ जाएगा 1400/11 यानी 0000 ये ख़त्म। तो x बराबर हो गया हमारा 14/11 यानी ये जो 1.27 बार है ये बराबर हो जाएगा 1.27 बार ये बराबर हो जाएगा 14/11 के। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसका एक मेथड और है, वो ये कुछ इस तरह से है। कि हमको जो दिया गया है वो है
2727 1.272727 इस तरह से ये आगे तक, या फिर ये किसके बराबर है 1.272 के बराबर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.27 का बार, ठीक। और अभी हमने बताया कि अगर दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उन सब पर बार लगा हुआ है, तो जो अंक यहाँ पर लिखे होते हैं उसको अंश में रखते हैं, और जितने अंकों पर बार लगा होता है उतने ही 9 नीचे रख देते हैं। और ये बराबर हो जाएगा 9 × 3 = 27, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 1/3/11, 11 इसका हो जाएगा लासा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 3, 11 × 3 हो गया 14/11, ठीक। तो यानी 1.2727 या फिर 1.27 का बार ये बराबर हो जाएगा 14/11 के, और 14/11 ही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। और अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग उदाहरण 9 देखेंगे। इसमें कह रहा है दिखाइए कि 0.235355 बराबर 0.235 बार को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू का मान 0 नहीं है, ठीक। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमने बताया था कि हम लोग मान लेते हैं कि ये x के बराबर है। माना x बराबर 0.235 बार, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.235355। तो इस तरह के सवालों को जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही होती है, उनको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें प्रोसेस ये होता है कि दशमलव के बाद जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही होती है उसको हम लोग दशमलव के पहले ले आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें 3535535 इसकी तो पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन इस 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, और इस 2 को दशमलव के पहले लाने के लिए हम लोग दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x बराबर 2.353535, ठीक। तो ये हो जाएगा 10x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.353535, ठीक। 10x बराबर 2, इसको लिख सकते हैं 0.35 का बार, ठीक। और अगर हमको हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उनमें पूरे में बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग भिन्न में लिखने के लिए क्या करते हैं कि जिस संख्या पर बार लगा हुआ है तो 35 पर बार लगा हुआ है, और जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतने ही 9 नीचे रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 3 और 5 दो अंकों पर बार लगा हुआ है, यानी हम लोग हर में 2 9 नीचे रखेंगे, ठीक। यानी इसकी जगह पर हम लोग रख देंगे 10x बराबर 2.35/99, ठीक। इसको फिर हम लोग भिन्न में, जैसे हम लोग भिन्न को जोड़ते थे वैसे इसको जोड़ लेंगे, तो यह हो जाएगा 10x बराबर 2/1/35/99, और इसमें लासा हो जाएगा 99, तो इसमें जो है एक से भाग देंगे 99 आएगा, 99 × 2 = 18 कांट से लगे 1 × 2 = 19, यानी 198 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक। जब हम लोग 198 और 35 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 × 5 = 13 = 80 लगे 1 × 9 = 3 = 12 = 13 1 × 2 = 99, ठीक। यहाँ पर 10 गुणे में है तो जब उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे है तो बटे में जाएगा, तो 233/990 ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसको भिन्न में बदल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 को।
अब हम लोग इसके बाद उदाहरण नंबर 10 करेंगे। इसमें कह रहा है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि इनका दशमलव प्रसार क्या रहा है। ठीक, तो 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम लोग 7 से 1 में भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, ये हो जाएगा 3 और 0, 7 चौके 28 माइनस, और ये हो जाएगा 2 और ये 0, 7 दूनी 14 6 0, 7 8 56 4 0, 7 5 35 5 0, 7 7 49 1 6। ठीक, ये फिर से वही आ गया, यहाँ पर भी एक था और यहाँ पर भी एक आ गया, यानी अब जो है यही अंक फिर से रिपीट होंगे, यानी 1 4 2 8 5 7 फिर से 1 4 2 8 5 7 आ जाएगा, यही 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट होता रहेगा, यानी 1/7 को हम लोग लिख सकते हैं 1/7 बराबर दशमलव 1 4 2 8 5 7। ठीक, तो इसमें हम लोग ये 1/7 का दशमलव प्रसार हो गया, और अगर हम लोग को 2/7 लिखना है 2/7 का, तो एक तरह से इसमें हम लोगों ने 2/7 का मतलब क्या है, 2/7 का मतलब है 2 × 1/7, यानी 1/7 के दशमलव प्रसार में हम लोग 2 से गुणा कर दें, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 7 14 की 4 हासिल लगे 1, 2 5 10 10 1 11 हासिल लगे 1, 2 8 16 16 1 17 हासिल लगे 1, 2 2 4 4 1 5, 2 4 8 और 2 1 2। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये 1/7 का दशमलव प्रसार हो गया और ये हो गया 2/7 दशमलव प्रसार, ये 1/7 का, एक ये 2/7 का। अब इन दोनों के बीच की हमको लिखनी है अपरिमेय संख्या। ठीक, अगर हम लोगों को इसके बीच की अपरिमेय संख्या 14 28 57 और 28 57 14, इनके बीच की हमको संख्या लिखनी हो, तो इनके बीच कौन कौन संख्या सकती हैं, 15 28 56 आ सकती है, 16 31 22 आ सकती है, 22 21 22 51 26 आ सकती है, ऐसे ही ये सब संख्याएं इनके बीच आ सकती हैं। ठीक, अभी और संख्याएं होंगी, हमने केवल इतनी ही लिखी हैं। ठीक, तो अगर हमको अपरिमेय संख्याएं लिखनी हो दशमलव प्रसार के रूप में, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि दशमलव लगाएंगे और जैसे मान लीजिए हमने 1 5 लिखा। ठीक, तो हम लोग या तो 1 को बढ़ाते चले जाएंगे या तो फिर 5 को, इनमें से किसी भी एक संख्या को हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। हम लोग मान लीजिए 5 को बढ़ा रहे हैं, ठीक, और 1 को एक ही रख रहे हैं, तो 1 5 1 5 5, एक बार 5 बढ़ा फिर 1, 5 5 5 फिर एक बार 5 बढ़ गया, 1 5 5 5 5, इस तरह से आगे तक। ठीक, तो ये जो हमने संख्या लिख दी ये अपरिमेय संख्या हो गई। देखिए प्रोसेस क्या है इसमें, हमने पहले ये 1 5 लिखा था, फिर इनमें से किसी भी एक अंक को हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे क्रमशः। तो हम लोग मान लीजिए 5 को बढ़ा रहे हैं और 1 को वही रखे हुए हैं, एक ही रखे हुए हैं, तो 1 को हमने फिर से 1 5 लिखा, 1 5 के बाद 1 आया। ठीक, फिर 5 के बाद हमने एक बार 5 और बढ़ाया तो 5 5 आ गया, फिर 1 रखा, 2 बार 5 हो गए, अब 3 बार 5 लिखेंगे, 5 5 5, फिर 1 रखा, फिर 3 बार 5 हो, फिर 1 बार 5 बढ़ाओ तो 5 5 5 5, 4 बार 5, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और भी लिखना चाहें तो मान लीजिए हम लोग हैं 0.21 लिखें, ठीक, और मान लीजिए हम लोग 1 को नहीं बढ़ा रहे, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2 4, ठीक, और हम लोग 4 को नहीं बढ़ा रहे केवल 2 को बढ़ा रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 एक बार लिखा हुआ था अब 2 बार लिखेंगे, तो 2 2 बार हो गया 4। ठीक, अब फिर 2 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 3 फिर 4, अब 2 को
चार बार लिखेंगे, 1 2 3 4 फिर 4, इस तरह से हम लोग अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी संख्या का रिपीटेशन या फिर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। हमको लिखना है 1 4 2 8 5 7 और 2 8 5 1 4 2 8 5 7 बार और 2 8 5 7 1 4 बार के बीच की संख्या लिखनी है, के बीच की संख्या यानी बीच की अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो अपरिमेय संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 14 और 28 के बीच की कोई भी संख्या लिख देंगे। मान लीजिए कि हमने कोई संख्या लिख दी 16, ठीक। 16 जो संख्या है वो 14 और 28 के बीच की है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक अंक को, ये दशमलव एक छः, अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक अंक को मतलब बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक। अभी यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि 6 को बढ़ा रहे हैं, ठीक, एक को एक ही रहने देंगे। तो 6 यहाँ पर एक बार लिखा हुआ है, अब 6 को हम लोग दो बार लिखेंगे एक लगाने के बाद, तो फिर एक आएगा, अब 6 को दो बार लिखेंगे, ठीक। फिर एक लिखा जाएगा, फिर 6 को तीन बार लिखेंगे, दो बार लिखो, अब तीन बार लिखेंगे, 1 2 3, फिर एक लगाएंगे, फिर अब 6 को चार बार लिखेंगे, इस तरह से 6 को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से हम लोग को ये अपरिमेय संख्या मिल जाएगी कि 0.16 1 6 1 6 6 1 6 6 6 1 6 6 6 6, ये अपरिमेय संख्या हुई किसके किसके बीच की, 1/7 और 2/7 के बीच की, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या, ठीक, ये हो जाएगा आंसर। जरूरी नहीं है कि आप लोग यही संख्या लिखें, आप लोग कोई और संख्या लिख सकते हैं। हो सकता है कि उत्तरमाला में, आपकी किताब की उत्तरमाला में कोई और संख्या लिखी हो, लेकिन जो इसका मर्म है, जो मूल मंत्र है, वो क्या है कि 14 और 28 के बीच की संख्या लिखी होनी चाहिए। दशमलव के बाद हम लोग 14 और 28 के बीच संख्या लिख देंगे, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या लिखेंगे, 14 28 56 28 57 14, इन दोनों के बीच की संख्या को यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक। तो हम लोगों ने क्या लिखा, 16 बड़ा वाला लिख दिया, 14 और 28 के बीच संख्या क्या हो जाती है, 16 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, इन सभी संख्याओं में से हम लोग कोई भी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे एक हम लोग और करके देखें और बताएं, तो जैसे मान लीजिए 0.26, ये भी 14 है, इस ये 14 और 28 के बीच की संख्याओं में से एक है। इसको अगर हम लोग अपरिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहें, तो मान लीजिए हम लोग रिपीटेशन दे रहे हैं 6 का, ठीक। तो मान लीजिए हम लोग 6 कर चुके हैं, तो यहाँ 5 कर देते हैं, ठीक। मान लीजिए हम लोग रिपीटेशन कर रहे हैं 5 का, तो क्या करेंगे, 2 फिर 5 एक बार, तो 5 दो बार, फिर 2 फिर 5 दो बार, तो 5 तीन बार, 1 2 3 फिर 2, इस तरह से हम लोग आगे करते चले जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या ये भी हो जाएगी। इस तरह से हम लोग कई सारी अपरिमेय संख्या बता सकते हैं 1/7 और 2/7 के बीच की, ठीक। तो आशा है कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।